मेरा नाम है रवि कुमार। आप दुकानदार हैं यहाँ पे? हाँ, मेरे चाचा दुकानदार है, गिरीश चंद। अच्छा, जैसे आज यहाँ जाम लगाया हुआ, क्या कारण हुआ जाम लगाने का? इस कारण हमारी दुकान में 4 बार वारदात हो चुकी है। एक बार होगी महीने में, 3-3-4-4 बार वारदात हो रही है। और आज हमारे बगल वाली दुकान है हमारे चाचा जी की, उसमें भी वारदात हुई है। और उसके बगल में जो टेलर की दुकान है उसमें भी वारदात हुई है। पुलिस प्रशासन यहाँ उसको पकड़ के दे देते हैं चोरों को, जे यहाँ छोड़ देते हैं उसको, राजनीतिक मुद्दा बना के नेतागिरी करते हैं, उसको नेतागिरी के तरीके से घसीटते हैं और उसको चोरों को छुड़वा ले जाते हैं यहाँ से। और जे पुलिस वाले यहाँ के कहते हैं कि खोखे हटवा देंगे तो खोखे हटवा दे, यहाँ कुछ कर नहीं रहे हैं यहाँ का प्रशासन। यहाँ केवल अपने पैसे से मतलब है कमाई कर रहे हैं। रोड पैसे बुग्गी निकलती हैं, उसकी लकड़ी की गाड़ी निकलती हैं, लाओ 200 रुपये, लाओ 300 रुपये, लाओ 400 रुपये, बस पैसे लेने में लगे हैं और कोई किसी की सुनते नहीं। और चेकिंग करते हैं, किसी का कोई चालान नहीं है, किसी की कोई कागजी फॉर्मेलिटी नहीं है, पैसे लिए और छोड़ दिए, अपना बस पैसा कमाया जा रहा है, समस्या नहीं सुनी जा रही किसी की। आज इतना यहाँ पे इतनी बार चोरी की वारदात हुई, आपने चौकी में शिकायत की? शिकायत की लगभग 10 बार शिकायत की और लड़कों को पकड़ के भी दे दिया, 2 बार इन्होंने छोड़ दिया, पैसे लेके छोड़ दिया उनको। इसके अलावा आपने और आला अधिकारियों से संपर्क किया? इससे पहले मना कर देते, हम आपकी सुनवाई करेंगे, हम जाते नहीं है। अब इन्होंने सुनवाई नहीं की तो हमें आज ये मजबूरी में करना पड़ा है, सब करना पड़ा ये। अच्छा, आज रात ऐसा क्या मैटर पड़ा जो आपने जाम लगाया? आज रात भी कोई घटना हुई? आज रात को ये दो दुकानें टूटी हैं, 4 दुकान 3 दुकान टूटी हुई है। दुकान सारे कपड़े बदले गए हैं, उसमें से दुकान में से दाल, चीनी, चावल, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा सब बदले गए, मिला तो भर के ले गए। आप यही इसी ब्रह्मदेव चौकी पे तैनात हैं? हाँ जी। जिस तरह से आज यहाँ पे जाम लगाया हुआ है और यहाँ पे लोगों का कहना है कि आए दिन यहाँ वारदातें होती हैं, दुकानें तोड़ी जाती हैं, लेकिन चौकी से कोई नहीं आता है और ना ही कोई हमारी सुनवाई होती है, इस विषय में बताइए आप। ऐसा कैसे हो सकता है, चौकी से नहीं आता, हमेशा आते हैं चौकी से, यहीं पर चेकिंग चलती है, हमेशा रहते हैं यहाँ पर। नहीं, जैसे कि अभी आपके सामने यहाँ लोगों ने जाम लगाया है और ऐसी वारदातें कई बार हो चुकी हैं। मैं तो थाने गया था, अभी लौट के आ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं रास्ते में चला कर जाम लग रहा है। नहीं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन ये तो एक आज रात की वारदात है कि दो दुकानों को काटा गया है और इससे पहले भी कई बार ऐसी वारदातें हो चुकी हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उस विषय में आज इन लोगों ने जाम लगाया है। नहीं नहीं, पूरी सुनवाई होती है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। तो इस तरह से ये लोग आप जाम लगा रहे हैं, अगर इस तरह की सुनवाई होती तो आज ये जाम नहीं लगाती है। सुनवाई होगी, इनके जितने थाने में FIR लिखा है, कार्रवाई पूरी होगी।